गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज देख लेते हैं कि कैसे हम दो इक्वेशन लाइन से मीन वैल्यूज़ या फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट को निकालेंगे. ठीक है, टू ऑब्टेन मीन वैल्यूज़ एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट फ्रॉम द रिग्रेशन इक्वेशंस. टू फाइंड द मीन वैल्यूज़, मीन एक्स मीन वाई मीन फ्रॉम द टू रिग्रेशन लाइन्स, राइट. तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास x ऑन y है, ये y ऑन x है. तो ये दोनों जहाँ पे कट करती हैं वहाँ पे x मीन और y मीन जो है आएगा, राइट. विच मीन्स कि दो इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास x मीन और y मीन दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी. दूसरा मेरे पास आ जाता है टू फाइंड कोफिशिएंट फ्रॉम टू रिग्रेशन लाइन्स. तो इसके लिए हमारे पास r इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई है. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या है कि मेरे पास दो इक्वेशंस दे रखी हैं और इन दो इक्वेशंस के थ्रू हमें देखना है x ऑन y कौन सी है, इक्वेशन y ऑन x कौन सी है, या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट में से हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है. ठीक है, तो अब जो अगर मेरे पास ये दो है, मेरे को नहीं पता है x ऑन y या y ऑन x कौन सा है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, लेट्स दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को क्या ले लेते हैं हम, y ऑन x इक्वेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 42 ओवर 3 माइनस 2x ओवर 3. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बी वाई एक्स जो निकलेगा माइनस 2y 3. ये वाली इक्वेशन जो थी मैंने वो ले ली x ऑन y. ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 26 माइनस 2y. तो बी एक्स वाई जो निकल गया वो निकल गया दैट इज़ माइनस 2. ठीक है, और अब आप अगर इन दोनों को लेके कॉफिशेंट को रिलेशन निकालोगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, तो ये आ गया माइनस 2/3 इंटू माइनस 2, यानी कि 4/3 विच इज़ ग्रेटर देन 1. लेकिन हमें पता है कि जो कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन है वो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, वो 1 हो सकता है, 1 के नीचे हो सकता है. तो आर स्क्वायर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट द केस. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, आर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, हमारी सपोजिशन रॉन्ग निकली है. तो अब हम एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स दोनों को अलग अलग लेते हैं, उल्टा करके देखते हैं. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 42. ठीक है, तो पहले हमने y ऑन x ली थी, अब हम इसको लेके चलते हैं x ऑन y. दिस इक्वेशन इज x ऑन y. तो अब इसको x इज इक्वल टू 42/2 माइनस 3/2y. ठीक है, तो मेरे पास बी एक्स वाई कितना आ गया, माइनस 3/2. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 26, और इसको हम लेते हैं y ऑन x. ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक किया तो 26/2 माइनस 1/2x. ठीक है, तो बी वाई एक्स मेरे पास क्या आ गया, माइनस 1/2. अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों ही आ गए हैं हमारे पास, तो r स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया, माइनस 3/2 इंटू माइनस 1/2. ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 3/4 0.75, विच इज़ लेस देन 1, राइट. तो यहाँ पे आर स्क्वायर इज़ लेस देन, तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है. तो यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता चल गई है कि ये मेरे पास एक्स ऑन वाई है और ये मेरे पास वाई ऑन एक्स है, और जो कॉफिशेंट कोरिलेशन है मेरे पास वो 0.75 है. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, इस तरीके से हम जो इक्वेशंस को देख सकते हैं कि ये कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है. तो सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं. ये दो इक्वेशंस है हमारे पास. ठीक है, इन दो इक्वेशंस में से रिग्रेशन कोफिशिएंट एक तो निकालना है हमने, एक प्रोबेबल एरर निकालना है. तो पहले वैसे ही सपोजिशन हम लोग करके चलते हैं कि x ऑन y और y ऑन x क्या है. ठीक है, तो जैसे कि दिस इज x ऑन y एंड दिस इज y ऑन x. ठीक है, तो
तो यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा x इज इक्वल टू 24/5 + 6/5y। सिंपल कैलकुलेशंस की हैं, bx/6/5 आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली ये निकल गया y इज इक्वल टू 768/1000x माइनस 3708/1000। बी एक्स वाई मेरे पास क्या निकल गया, दिस इज बी वाई एक्स, बी वाई एक्स मेरे पास निकल आएगा 768/1000, ठीक है। आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स 6/5 इंटू 768/1000 अंडर रूट, एंड दिस विल बिकम 0.96। अब यहाँ पे एक चीज़ और, प्रोबेबल एरर, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है 0.67451 - r² / √n, ठीक है। तो इसमें सिंपली आपने सारी की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, 0.67451 - r² कितना है हमारे पास, 0.96 का स्क्वायर, n हमें 60 दे रखा है, n इज इक्वल टू 60, तो 60 का अंडर रूट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 0.0068 प्रोबेबल एरर, ठीक है। प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, 0.67451 - r² / √n, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।